नजर डाल दी, सिर्फ एक प्लेयर है जो कि अदर साइड ऑफ द रिवर उतरा हुआ, आई बिलीव वो जोनाथन हो सकते हैं, उनके अलावा हर कोई इधर। ऑलराइट, क्लच गॉड के पास है वेक्टर, मतलब 19 गोलियां अगर एक्सटेंडेड मैग नहीं है, और दूसरी चीज है S12 के, सारे को स्काउट को मूव करते हुए देख लिया, और ये थोड़ा दिक्कत का विषय हो सकता है। फ्लैंक पे आए हैं शैडो, स्काउट को ऑफ गार्ड पकड़ना चाहते थे, स्प्लिट सेकंड पहले अपना एडीएस हटाया उस एंगल से, और अब डीबीएस के साथ सारंग को यहाँ पे नॉक करेंगे। हु स्टेप्ड इनटू अ मॉलोटोव जो स्काउट ने फेंका था, ये एक ब्लंडर हो चुका है टीम एक्सपार्क की तरफ से, लेकिन क्या इस ब्लंडर से रिकवरी करी जाएगी? आई डोंट थिंक सो। दिस इज कैटास्ट्रोफिक। वो मॉलोटोव, सारंग उस मॉलोटोव में गए जिसके कारण दिक्कतें दूसरी तरफ 8-bit और ग्लोबल स्पोर्ट्स की भी फाइट होनी शुरू हो चुकी है, लेकिन प्लेयर्स को फिनिश किया जाएगा। ऑलरेडी दो मैन डिसएडवांटेज के अंदर टीम एक्सपार्क मौजूद, आदित्य और पुकार दोनों बेहतरीन खिलाड़ी हैं जरूर, लेकिन चार लोगों के प्रहार के विरुद्ध वो भी टीम गॉडलाइक के, किस प्रकार से वो बच पाएंगे देखने वाली बात। ऊपर नेट्स किए जा रहे हैं, थ्रोएबल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके बाद मूव करना चाहेंगे। ऑलराइट, एक स्टन ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया था, पता है उस कंपाउंड के अंदर प्लेयर्स हैं और ये लोग इनकी कॉन्वर्सेशंस हैं, अभी तो वो मोलोटोव के अराउंड नहीं जा रहे हैं, बट पुकार he still wants to survive, his HP is quite low, उनके बिल्कुल सामने प्लेयर्स रहेंगे। एक और ग्रेनेड जाता है नॉक फिनिश करने की कोशिश जो किए जाएंगे, मतलब अब अगर कोई बचे हैं तो वो है सिर्फ आदित्य। जी नहीं, जब सबसे ज्यादा मैटर करता था तब गॉड लाइक मैटर करिए, और साथ